तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एक कंज्यूमेबल है एक नॉन कंज्यूमेबल है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो नॉन कंज्यूमेबल जो है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो उसके थ्रू जो मेटल है उसको हम आर्क बना के लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा फिलर जो है हम उसको ऐड करते हैं। तो इस वेल्डिंग का जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उसका नाम है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो TIG की फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इनर्ट गैसेस के अंदर हम ऑर्गन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं, सॉरी ऑर्गन हीलियम CO2 और जो है वो दूसरी गैसेस को मिक्स करके जो है हम उसका यूज़ करते हैं। आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं ये हमारा ऑर्गन है। इससे पहले कि हम ऑर्गन की बात करें मैं आपको ये इसका जो मशीन है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो हमारा मशीन है ये हमें आगे पावर सोर्स है हमारा और इसी के थ्रू जो है करंट हम लेंगे। तो इसका जो ऑन और ऑफ है वो बैक साइड पे है। तो पीछे से मैं इस मशीन को ऑन करूँगा और यहाँ पर जो है पैरामीटर सेट करने के बाद फिर हम जो वेल्डिंग है वो करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड पे इसका जो स्विच है वो आप देख रहे हैं कि बैक साइड से हमने इसको यहाँ से ऑन किया। जब ऑन किया तो ये एडजस्ट लगे हुए हैं ताकि ये कूलिंग सिस्टम हमारा बना रहे। तो यहाँ से जो है ये मशीन हमारी ऑन होती है। तो आगे हम देखते हैं डिस्प्ले। तो ये हमारा जो है अजय बोलो, अजय गोगिया बोलो, अरे हाथ खड़ा किए थे ना। अजय ओके ठीक है। ये यहाँ पर करंट डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज हो रहा है। तो इसका जो नॉब है वो यहाँ पर है, हम इसको इसके थ्रू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड हम किस साइज का यूज़ करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड का जो साइज है ये हमारे वर्क पीस पर डिपेंड करता है। ये जो वर्क पीस है इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोड जो है वो सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग करंट सेट होगा और उसके बाद हमारी जो है वेल्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमारा पावर सोर्स है। तो इसके बाद ये गैस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऑर्गन सिलेंडर है, ऑर्गन सिलेंडर के अंदर ये अटैचमेंट लगा हुआ है। इसके ऊपर दो गेजेस हैं, एक प्रेशर एडजस्टर है और एक फ्लो मीटर है। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से टाइट करके इस अटैचमेंट को इसके साथ जो है वो फिट करना होता है। उसके बाद जो सिलेंडर की है इसका नाम है सिलेंडर की, इसके थ्रू हम इसको इसके अंदर ऐसे सीट करके इसको स्लोली यहाँ से लूज़ करते हैं। जब लूज़ करेंगे तो एक गेज हमें टोटल प्रेशर बताती है, हाई प्रेशर गेज जो है वो टोटल प्रेशर हमारे सिलेंडर के अंदर कितना है वो बताएगी और कितना प्रेशर हम आगे लेके जा रहे हैं उसके लिए ये प्रेशर एडजस्टर है। यहाँ से इसको टाइट करते हैं और गैस हमारी फ्लो मीटर के अंदर इंटर हो जाता है। तो फ्लो मीटर में एक स्केल लगा हुआ है, तो स्केल जो है ये लीटर का रेट जो बताता है कि कितने लीटर हम गैस जो बाहर लेके जा रहे हैं। तो आगे ये हॉज पाइप है, जो हॉज जो है ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च के साथ लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको लूज़ करेंगे तो ये नीडल जो वर्क कर रही है। तो कितना हमने करंट ये गैस प्रेशर एडजस्ट करना है वो यहाँ से हम इसको टाइट करते हैं और इसके अंदर एक वॉल लगा हुआ है। वो जो वॉल है वो राइज करता है ऊपर को, स्केल जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर हम बाहर में ले रहे हैं। तो इसका जो सेटिंग है इस हॉस पाइप का ये टॉर्च के साथ है, ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च है। तो इसके साथ में करंट और गैस यहाँ पर जो है इसके साथ में एक लीवर लगा हुआ है। आप लोग देखते हो कि जब वेल्डिंग हम करना होता है तो जब इसको ऑन करेंगे
तो यहाँ ऑन करते हैं तो गैस, और देखिए गैस के अंदर एक वॉल चल रहा है, वो वॉल हमें बता रहा है कि कितने लीटर गैस गैस जो है हमारी इसमें से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से करंट और गैस ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब मैंने लीवर को ऑफ कर दिया, वॉल जो है वो नीचे चला गया। फिर देखो यहाँ से मैं प्रेस करूँगा, वो वॉल ऊपर राइज कर रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इस रेट से गैस जो है वो बाहर जा रहा है। तो अलग अलग रेट्स जो है वो हम सेटिंग करते हैं, जो हमारा वर्क पीस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके थ्रू जो है वो वेल्डिंग होता है। अब मैं आपको टॉर्च के बारे में दिखाऊंगा। ये जो टॉर्च है इसके आगे जो है ये सिरा में कैप लगा हुआ है, ये वाला, जो हमारी गैस है वो हमारे प्रॉपर मेल्टिंग पूल के ऊपर जाके गिरती है। तो ये सिरा में कैप है जो आप देख रहे हो। इसके साथ में इसके अंदर जो है एक कॉलेट लगा हुआ है, वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें ये कॉलेट है और इसके बीच में इलेक्ट्रोड है जिसकी बात हम कर रहे थे। ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जो आप स्लॉट देख रहे हो ये वाले, तो ये स्लॉट जो है उसको ग्रिप करते हैं। जब इसका फिटिंग करना होता है तो हम इसके अंदर इसको ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद फिर हम इसको जो है पीछे से टाइट करते हैं। जब इसको टाइट करेंगे तो कॉलर जो है वो प्रेशर से पीछे को आता है। जब पीछे को आता है तो इलेक्ट्रोड हमारा जो है वो उसमें जो है ग्रिप हो जाता है। तो उसके बाद हमारी जो गैस है उसका फ्लो हमारे मेल्टिंग पूल के ऊपर आके गिरे, उसके लिए सिरेमिक कैप जो है वो हम इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। अब इसमें से जो करंट है इस इलेक्ट्रोड के थ्रू वर्कपीस में जाएगा और साइड से जो है गैस उसके ऊपर आके गिरती है। तो गैस का यूज़ क्या है, जैसे दूसरी वेल्डिंग्स के अंदर हम मेटल को शील्ड करते हैं जिसमें फ्लक्स यूज़ हो रहा है, तो या दूसरी गैसें यूज़ हो रही हैं, ऐसे इसके अंदर ऑर्गन और हीलियम का यूज़ होता है ताकि हमारा वेल्ड रिजल्ट जो है वो एकदम फाइन मिले। तो ये जो गैसेज है इसका रिएक्शन कुछ नहीं होता मेटल के अंदर, तो ये बहुत फाइन शील्डिंग करती है और हमें एकदम फाइन रिजल्ट मिलते हैं। तो इस अपरेटस के थ्रू हम स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, टिटेनियम और दूसरे मेटल आराम से जो है इजीली वेल्ड होते हैं। और हम इंडस्ट्री के अंदर जो हाई क्लास वेल्डिंग है, जैसे पाइप एल्युमिनियम पाइप है या एल्युमिनियम का एसएस पाइप है, उसको आप आराम से जो है एक लीक प्रूफ जॉइंट जो है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद जब हमारा वेल्डिंग जॉइंट बन जाता है उसको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्पेटर्स नहीं आता, कोई हमें उस पर फाइल लगाने की, एकदम फाइन आपको जो है वेल्डिंग मिलता है। तो इसके थ्रू थिन और थिक दोनों टाइप के मेटल जो है वो वेल्ड हो सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस दोनों टाइप के वेल्डिंग हो सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्री। तो अब मैं आपको ये इसके अंदर जो टूल्स यूज होने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा। एक तो जैसे कॉमनली ये लेदर हैंड ग्लव्स है, इसका यूज़ होता है ताकि हमारे हाथ को हीट वगैरह ना लगे। तो ये टोंग है, इसके थ्रू हम उसको होल्ड करते हैं वर्क पीस को, ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ ये। तो उसके बाद ये जो फिलर है, ये जो फिलर जो मेटल हमने वेल्डिंग करना होता है बिल्कुल सेम मेटल का फिलर हम यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम मेटल जो है, अभी अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मटेरियल है ये माइस्टील का मेटल है और इसका थिकनेस 6 mm है, 40 है और 75 है। ये दोनों पीसेस को हम ऐसे रख के वेल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी रख के कर सकते हैं। तो दोनों एजेस को हम अगर हीट अप करके विदाउट फिलर, वो भी वेल्ड हो सकता है। दोनों एजेस को मेल्ट करके इसको विदाउट फिलर जो है वो हम वेल्ड कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ा कम रहेगा। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सेम मेटल का फिलर, मेटल जो है इसके साथ मैच करना चाहिए। अगर ये स्टेनलेस स्टील है तो फिलर शुड बी स्टेनलेस स्टील। तो डिफरेंट मेटल जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बोथ मेटल शुड बी सेम। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये माइस्टील का है और ये जो फिलर है ये भी माइस्टील का है। तो एक हाथ के अंदर हमारी वेल्डिंग टॉर्च होता है, जैसे देखिए ये हमारा वर्कपीस है, इसके ऊपर हमने इसको टॉर्च को पकड़ लिया है एक हाथ के अंदर, और इसके ऊपर जब हम आर्क बनाएंगे, आर्क से मेटल टूट हुआ वो बनता है और साथ में फिलर हम एक हाथ से ये रहेगा और दूसरे हाथ में ये रहेगा, ऐसे जो है बीच को मैच करते हैं और उसके अंदर फिलर को ऐड करते हैं। इसके थ्रू हमें एकदम फाइन वेल्डिंग जो है वो मिलता है।
तो इसमें जो स्क्रीन है वो हेलमेट स्क्रीन रहेगा, इसके अंदर एक हैंड वेल्डिंग स्क्रीन है जिसके थ्रू आप मेटल को फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मेटल ऐड करना है तो उसके लिए हेलमेट स्क्रीन रहेगा, उससे दोनों वेल्डर जो है उसको दोनों हाथ से जो है वो काम करना पड़ता है। एक हाथ के अंदर फिलर रहेगा और दूसरे हाथ के अंदर जो है वेल्डिंग टॉर्च रहेगा। तो अभी टूल्स के बारे में बात होगी, अब मैं आपको वर्किंग टेबल के पास में लेके जा रहा हूँ। देखो जरा, इस टॉर्च को हमने यहाँ पर रख दिया, साथ में दूसरे टूल जो है वो साथ में लेके चलो, ये वाले हैं। मैं आपको सिर्फ जो है एजिस को मेल्ट करके दिखा रहा हूँ, दो एजिस को मेल्ट के जो लर्निंग स्टेप है हमारा वो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि तो आपने अभी एक वेल्डिंग के बारे में कुछ नहीं किया हुआ, तो जो लर्नर्स हैं उनको पहले हम कैसे आर्क फॉर्म होती है और आर्क फॉर्म होने के बाद जो मेटल टूल है उसको हम कैसे मूव करते हैं, ये टेक्निक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो आगे से स्टार्ट होगा, अभी इसके साथ में दो टर्मिनल आए हुए हैं, ये हमारी डीसी मशीन है, इसमें पोलैरिटी सिस्टम भी है, एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप डीसी पे भी कर सकते हैं और एसी पे भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको किया हुआ डीसी पे, डीसी टेक, अभी जो फिटर चल रहा है ये डीसी है। तो हम जो वेल्डिंग करने जा रहे हैं ये है फेरस मेटल, तो फेरस के लिए हमारी जो पोलैरिटी है वो स्ट्रेट होगा, तो स्ट्रेट के अंदर जो है वर्कपीस हमारा नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव रहेगा, ये हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी है। अगर हमें नॉन फेरस का वेल्डिंग करना है तो फिर हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाता है, उसको फिर हम रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं, तो पोल हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज कर रहा हूँ। सर जैसे आप अभी डीसी वेल्डिंग यूज कर रहे हो इस केस में, अभी तो सर ये क्या वर्कपीस के थिकनेस पे डिपेंड करता है कि हमने डीसी यूज करनी है कि एसी वेल्डिंग यूज करनी है? हाँ, ये हमारा जो थिन मेटल है उसको हम रिवर्स पे भी वेल्डिंग करते हैं, तो डीसी के अंदर जो है जैसे नॉन फेरस की वेल्डिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं उसको एल्यूमिनियम का होता है जो, या नॉन फेरस की वेल्डिंग है उसके लिए जो रिवर्स पोलैरिटी है उसका यूज होता है, और फेरस के लिए हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं। तो डीसी जो है वो दोनों टाइप के मेटल इजीली वेल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम फेरस का वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमने जो पोलैरिटी रखा हुआ है वो स्ट्रेट है। तो सबसे पहले वर्किंग टेबल के साथ में हमने ये जो पॉजिटिव पोल है ये लगाया हुआ है, ये वाला देखो आप, इसके साथ में लगा दो। अब वर्किंग टेबल के अंदर करंट आ चुका है, तो उसके बाद जो वर्कपीस है हमारा इसको हमने इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद गैस हमारी ऑन है, मशीन हमारा ऑन है, उसके बाद एक बार मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से गैस को हमने ये यूज़ करना है और गैस प्रेशर बाहर में आ रहा है। आप देखिए, मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा, इसमें आवाज़ आ रही है, ये जो साउंड है ये इंडिकेशन है कि हमारी गैस सप्लाई जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ज़रा, सबसे पहले लर्निंग स्टेप जो है मेटल को हम फ्यूज कैसे करते हैं, देखो आपने देखा है इसके ऊपर जो ये मेटल फ्लो हो रहा है ये वाला, तो इसको बोलते हैं पडलिंग। तो दोनों एजेस के ऊपर अगर आप इसको करते हैं तो फिर देखो, उसके लिए थोड़ा करंट मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके ऊपर अभी करंट जो है वो कम था, अभी इसको मैंने 130 पे किया, तो इसके थ्रू जो क्या है दोनों एजेस मेल्ट करूँगा, मेल्ट करने के बाद वो दोनों एजेस जो हैं वो आपस में वेल्डिंग होंगे। देखो जरा, वो जो हमने ऑपरेशन पीछे किया था फिर देखो एक बार,
करती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वेडिंग के बारे में दिखा रहा हूँ। तो एक हाथ के अंदर ये टॉर्च रहेगा और दूसरी हाथ के अंदर ये स्क्रीन रहेगा। ये ऑपरेशन जो है सिर्फ एजेस को अगर आपको मेल्ट करके वेड करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा फिलर ऐड करना है तो उसके लिए हेलमेट स्क्रीन का यूज़ होगा और यहाँ से इसको ऑन करके फिलर जो है वो अप्लाई करते हैं। मैं अभी आपको लर्निंग स्टेप जो है वो दिखा रहा हूँ जो आपने पहले करना है। तो हमारा लर्निंग स्टेप है दोनों एजेस को हम मेल्ट करके आपस में मिक्स कैसे करते हैं। देखो जरा, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपने वेल्डिंग शुरू करना है तो ये कंट्रोल यहाँ पर है, जब इसको प्रेस करेंगे तो करंट और गैस अपने आप जब वो ऑन होगा तो यहाँ से एक टर्मिनल इसके साथ लगाया हुआ है, एक वर्कपीस के साथ है। दोनों एजेस को देखो जरा कैसे मेल्ट हो रहे हैं। तो दोनों एजेस को मेल्ट करके हम ये इसको जोड़ सकते हैं। तो ये जो पीछे आई हुई है इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, ये मेटल की पेनिट्रेशन हुई है। ये बैक साइड पे मेटल जो आया हुआ है, आप देखिए ये जॉइंट आप देख रहे हो, इसके ऊपर रिपल जो है वो आप देख रहे हो कैसे कितने फाइन आ रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका रीज़न है कि अगर गैस सप्लाई हमारी कम है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर करंट का रेट कम ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आएगा। तो लर्निंग स्टेप है कि पहले किसी जॉइंट के ऊपर हमने वेल्डिंग नहीं करना, हमने पहले जो सरफेस है उसके ऊपर लेके चलना है इसको। तो उसके ऊपर से हमें एकदम आइडिया हो जाएगा आपको कि जो मेजर कैसे हम टॉर्च को जो है कंटिन्यूसली आगे को लेके चलते हैं। अगर ऐसे फास्ट भागेंगे या कम ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो चेन है मेटल पूल जो है वो कंटिन्यू हमें आगे नहीं मिलेगा। तो मैं दूसरा जो फिलर है वो इसको हम पहले बेस को मेल्ट करते हैं, उसके बाद हम जो फिलर है वो ऐसे अप्लाई करते हैं। तो ऐसे हमें जो है एक टाइप अच्छी वेल्डिंग जो है वो आपको दिखाई देगी। ऐसे आप एकदम ये देखो, ये लर्निंग स्टेप है हमारा, जैसे ये था, अब ये इसको मेल्ट करके दिखाया, ये देखो और ये देखिए कि इसमें इतना जो वेल्डिंग है जो आप ये देख रहे हो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद जो टॉर्च है वो कम ज़्यादा रखने से मैंने आपको रिजल्ट दिखाए हैं कि अगर हम टॉर्च को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। स्टार्ट के अंदर मैंने आपको एकदम फाइन वेल्डिंग दिखाया, उसके बाद जो डिस्टर्बेंस वेल्डिंग है वो इसके अंदर है। हमें जो करेक्ट रिजल्ट है वो ये है, ये रिजल्ट आप देख रहे हो, ये रिजल्ट एकदम करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा अनइवन सा आप देख रहे हो ड्यू टू टॉर्च, उसका जो गैप है वो हमने कभी कम कर दिया कभी ज़्यादा कर दिया। अगर हम इसके अंदर फिलर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा उभरेगा ऊपर को, उससे हमारा जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अभी आपने टिक वेल्डिंग जो है वो देखा तो इसके अंदर कोई भी स्लैग नहीं आया, हमें कोई चिपिंग हैमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसके थ्रू जो है वो हम एकदम फाइन जॉइंट जो है वो लेते हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च यहीं पे रखेंगे। उसके बाद जब इसको हमने प्लांट को बंद करना है तो सबसे पहले हमने इसको बंद करना है ताकि गैस की वेस्टेज जो वो ना हो, यहीं से इसको ऑफ करते हैं और यहाँ से बंद करते हैं यहाँ से। तो उससे क्या होगा, ये जो नीडल है हमारी ये ज़ीरो पे जाएगा। देखो मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ये जो नीडल है ये ज़ीरो पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गैस हमारी बंद हो गई। अगर ये नीडल नीचे नहीं जाता तो मतलब गैस जो है वो अभी सप्लाई चल रही है। यहाँ से ज़ीरो हो गया और यहाँ से ज़ीरो हो गया, ये हमारी इंडिकेशन है कि हमारा गैस जो है वो ऑफ हो चुका है। उसके बाद इस प्लांट को हम बैक साइड से बंद करेंगे, इस नॉब को टाइट करेंगे। हाँ, यहाँ से इसको लूज कर देते हैं यहाँ से, ताकि जब हम इसको रीओपन करें तो एकदम प्रेशर डायाफ्राम के ऊपर ना पड़े। अगर ये टाइट रहेगा तो एकदम जो है इसका डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए जो एडजस्टर है शुड बी लूज। तो जब इसको लूज करेंगे उसके बाद हम इसको टाइट करने के बाद गैस फ्लो जो है वो यहाँ पर सेट करते हैं। तो पीछे से हमारा जो प्लांट है वो वहीं से जैसे हमने ऑन किया था, इस प्लांट को हम यहीं से ऑफ करेंगे। इसके ऊपर ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो आप यहीं से ऑफ को ऑफ करेंगे। तो ये हमारा जो है वो आपने देखा टेक वेल्डिंग। तो दिस वेल्डिंग इज़ वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ टॉर्च को कैसे हमने हैंडल करना है और कैसे उसको कंटिन्यू लेके चलना है, ये टेक्निक है इसके अंदर, जो आप लोग बड़ी इजीली कर लेंगे तो बहुत फाइन हमें वेल्डिंग जो है इसके थ्रू लगता है। थैंक यू सर। सो ओवर हियर यू पीपल हैव सीन द GTAW process, that is gas tungsten arc welding process, or sometimes we called it as a tungsten inert gas welding process. Okay, so now the thing is that if you have any doubt regarding this practical aspect of this process, you can ask me. Is that covered in your class, this process? Is it covered in class? क्या चीज सर? GTAW process. ये तो नहीं हुआ सर. नहीं हुआ. इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट अगर है इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है? ये फुल फॉर्म बता देना सर, GTAW पे. गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. Sometimes also referred as TIG, tungsten inert gas welding. इस साल जो है अगर आपको जब पढ़ाया जाएगा तो काफी इलेबोरेटिव है, इसकी हिस्ट्री से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि अब कैसे कि एट बीटेक लेवल बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यू शुड नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस, ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस इन इंटरव्यू और समवेयर एल्स, ओके। सो नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। बिफोर दैट आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज